नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस में। प्यारे मित्रों, स्कूल और कॉलेज के प्रमोशन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को भी रीड कर लिया होगा, स्कूल और कॉलेज के प्रमोशन को लेकर आई महा खुशखबरी। तो आखिरी के कुछ मिनट आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल आप भी कहोगे जी सर, बिल्कुल महा खुशखबरी है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके पने चैनल से मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं वो महा खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, आप लोग हेडलाइन पर गौर कर पा रहे होंगे, वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कृषि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द, यानी कि जो कृषि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और ऐसा करने वाला प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय बन चुका है और आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलने वाला है। यानी कि जो परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई हैं, आपकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, नहीं होगी, आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलने वाला है। पूरी खबर आपको फटाफट बता देते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अप्रैल मई में होने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं को आखिरी कैंसिल कर दिया। प्रदेश में यह पहला मामला है जब किसी विद्यालय ने अपने परीक्षाएं ही रद्द कर दी हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कोई ऐसी विद्यालय है जहां पर अपनी पूरी परीक्षाएं को उन्होंने स्थगित और रद्द कर दिया है। इसके बदले छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व परीक्षाओं के मूल्यांकन के औसत के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेट थे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपके एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा और आपके पिछले आंतरिक अंक यानी परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के अगले परिणाम के फल के हिसाब से आपको पास कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी कर ली है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने की गाइडलाइंस के आधार पर यह फार्मूला भी बनाया गया है। आपको बता दें कि एकेडमिक काउंसिल से अनुमति भी मिलने से यह सूचना की गई है। इससे पहले गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर ने परीक्षा कैंसिल की थी, लेकिन यह राज्य के बजाय केंद्र में संचालित विश्वविद्यालय है और यह फैसला जो है राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया था। बिना परीक्षा आयोजित किए रिजल्ट जारी करने का कृषि विश्वविद्यालय के अलावा राज्य में कोई उदाहरण नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों की संख्या कितनी है? 40 है। आपको मैं बता दूं, ये बिल्कुल जनरल प्रमोशन जैसा ही है। आपको बताऊं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल से प्राइमरी, मिडिल, 9वीं से 11वीं की कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया था। कृषि उद्यानिकी व कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े कॉलेजों में भी सेमेस्टर परीक्षाएँ कैंसिल कराना कुछ ऐसा ही है। हाल ही में रवि विलासपुर विश्वविद्यालय, अस्तर विश्वविद्यालय समेत अन्य राजकीय विश्वविद्यालय में भी जनरल प्रमोशन की मांग छात्रों ने उठाई थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय के एक कदम से यह मामला छात्र जगत में दोबारा गर्मा सकता है। यानी कि जो कृषि विश्वविद्यालय के कदम के बाद यह मामला जगत में यानी कि पूरे भारत में यह गर्मा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिल रहा है। आपको बता दें कि जो इस यहाँ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के छात्र भी अभी उनका संभव नहीं है आना, इसलिए सेशन पे भी समय शुरू करना है। इसलिए तय किया गया है कि अप्रैल मई में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं अब नहीं ले सकेंगे, यानी कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है, आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये राहत की खबर थी बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के जो कि काफ़ी डिमोटिवेट थे कि हमें प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो फाइनली आप लोग के लिए राहत की खबर आ चुकी है, इनको आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और कोई भी प्रमोशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने चैनल से बताऊँगा। लेकिन आप लोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रमोशन से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके अपने चैनल से मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।